नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आज के इलेक्शन पल्स तेलंगाना चुनाव में आप सबका दिल से स्वागत है दिल के बहुत करीब है आज की दास्तान ये चुनावी है भी और चुनाव से अलग भी है ये तेलंगाना के एक ऐसी दलित नौजवान लड़की की कहानी है जो भैंस बहन भैंसों वाली बहन के नाम से लोकप्रिय है तेलंगाना राज्य में बेरोजगारों का सबसे बड़ा पोस्टर चेहरा है के श्री सिया दक्षिण तेलंगाना के नागर कन्नूर जिले में कोलापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही बहुत खास हैं यह उम्मीदवार बारेल, अक्का। बारेल यानी भैंस अक्का मतलब बहन महस 26 साल की यह दलित छात्रा सोशल मीडिया पर इन्होंने खलबली मचाई हुई है इस विधानसभा में उनकी टक्कर कांग्रेस के जे कृष्णा राव से है जो 2014 में यहीं से जी हां, इसी सीट से टीआरएस, जो अब बीआरएस है यानी केसीआर की पार्टी उसके टिकट पर उन्होंने सीट जीती थी और अब पाला बदल के कांग्रेस के हाथ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही साथ इस नौजवान दलित लड़की का मुकाबला है भारत राष्ट्र समिति जी हां बीआरएस जो पहले थी उसके नेता बी हर्षवर्धन रेड्डी से जिन्होंने इसी कॉन्स्टिटेंसी में 2018 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट पर कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ा था यानी यह सीट दो कद्दावर नेताओं के बीच है और उसमें खबर बनी हुई है श्री शे आखिर क्या ऐसा खास है आइए टटोलते हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर सनसनी खबर बनाने वाली यह बारेलक्का अपने आप में बड़े पैमाने पर नौजवानों का ध्यान केंद्रित कर रही है श्री सिया छब्बीस साल की दलित स्नातक हैं जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी पेपर होते थे तो पेपर लीक हो जाते थे कई बार पेपर ही नहीं होते थे कई बार नोटिफिकेशन ही नहीं आता था कि कोई सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी फिर इस स्थिति से तंग आकर उन्हें गुस्सा चढ़ा और अपने गुस्से को उन्होंने क्रिएटिव रूप दिया 2021 में सबसे पहले इन्होंने अपना भैंस चराते हुए भैंसों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला जिसमें ध्यान से देखिए यह वीडियो यह पूरा का पूरा विमर्श पूरी की पूरी बातचीत तेलुगु में है इसमें वह कह रही हैं कि उन्होंने ये जो चार भैंसे खरीदी हैं, ये अपनी मां की गाढ़ी कमाई से खरीदी हैं, क्योंकि केसीआर के राज में नौकरी तो मिलनी नहीं है और यह एक वीडियो इस वीडियो ने इस नौजवान दलित स्नातक छात्रा का पूरा जीवन का रूटीन बदल डाला यह सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ कोहराम मचा केसीआर के पूरे डेवलपमेंट नोशन पे सवाल उठा उसके बाद इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए यानी वो मोटो वहां की पुलिस ने इनके खिलाफ केस कर दिया और बस श्री सिया के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया आग में घी डालने का काम किया पुलिस के इस एक्शन ने और इससे मुकाबला करने के लिए इस नौजवान लड़की ने चुनाव लड़ने का फैसला किया नतीजा हमारे सामने है सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में और खास तौर से हैदराबाद विश्व के जो विश्वविद्यालय हैं हैदराबाद यानी तेलंगाना की जो राजधानी है उसमें बड़ी संख्या में जो छात्र हैं बुद्धिजीवी हैं वह इस नौजवान लड़की की मदद के लिए कूद पड़े उस्मानिया विश्वविद्यालय हो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो अनगिनत विश्वविद्यालय और कॉलेज इनके छात्र छात्राएं अध्यापक बाकी सिविल सोसाइटी सारे लोग अनगिनत संस्थाओं के लोग यहां उमड़ पड़े बहुजन दलित चिंतक कांचाई हो या फिर खेती किसानी आत्महत्या पे काम करने वाली साजिया हो सारे के सारे लोग कोशिश करने लगे कि यह लड़की का जो संघर्ष है इस संघर्ष को कैसे सपोर्ट किया जा सके इसलिए जब हम वहां पहुंचते हैं तो दिखाई देता है कि स्थानीय लोग तो वहां उमड़े हुए ही हैं लेकिन बाकी इस तरह के सपोर्टर्स की टीम भी सीटी बजाते हुए दिखाई देती है जी हां वेरलक्का भैंस बहन यानी श्रेया इनका चुनावी निशान सीटी है और देखिए कांचा एलैया क्या अपील करते हैं यह अपील काफी माने रखती है इन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को यहां पर इसे कांग्रेस और बीआरएस समझा जाए उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को इस नौजवान लड़की के सपोर्ट में आ जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि यह जीत कर एक नए ढंग की पॉलिटिक्स की शुरुआत तेलंगाना की राजनीति में करे आइए सुनते हैं इनका इंटरव्यू जो पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता साजिया की मदद से हम आप तक पहुंचा रहे हैं सारी बातचीत तेलगु में है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसका अनुवाद भी साथ साथ हम सुना सकें खास बात जो इन्होंने कही कि वह दस बिंदुओं के घोषणा पत्र पर काम करेंगी जिसमें पहला नंबर सड़क नौकरी जॉब कैलेंडर कॉलेज में आ, सरकारी कॉलेजों का बड़ी संख्या में खोले जाना और साथ ही एक और अहम बात अपनी बातचीत में बारे लक्का सामने रखती हैं कि क्योंकि यहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है कॉलेजेस नहीं है इसलिए कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है यह जो कनेक्ट है इसे तोड़ने की जरूरत है और यह तभी हो सकता है जब बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सरकारी स्कूल कॉलेजेस हों और एक और अहम सवाल जो तेलंगाना में बहुत सुलगता हुआ सवाल है वह है कृषि संकट यह कहती हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस सारे लोग बस किसानों को दस हजार रुपये पंद्रह हजार रुपये सोलह हजार रुपये इस तरह के चुनावी वादे करते हैं जबकि असल है कृषि में मूलभूत सुधार का होना कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स की जो पूरी की पूरी प्रचार प्रसार है उसकी वजह से खेती जो चौपट है जिसकी वजह से कर्जे में डूबते हैं किसान और किसानों की आत्महत्या होती है इस पर काम करना चाहती हैं यह नौजवान लड़की अंत में वह कहती हैं कि मैं जीतूं या ना जीतूं, इन मुद्दों पर अपनी लड़ाई मैं जारी रखूंगी तो यह है बारेलक्का बारेलक्का का चुनाव लड़ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं जहां जहां गई चाहे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में या फिर उससे जुड़े हुए अन्य इलाकों में मैंने बड़ी संख्या में लड़कियों को महिलाओं को इनके बारे में बात करते हुए सुना वे सब बहुत खुश हैं कि इस तरह से एक लड़की ने हिम्मत दिखाई इस तरह का रेजिस्टेंस और रिजिलियंस उन्होंने दिखाया उन्होंने एक जो वीडियो बनाया उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर पुलिस प्रशासन हुआ और यह चुनाव लड़ने के बाद भी जिस तरह से उनके भाई के ऊपर भी हमला होता है ये तमाम चीजें जो यंग जनरेशन है जो नौजवान हैं वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं खास तौर से दलित लड़कियां, दलित महिलाएं, बहुजन समाज के लोग यहाँ तक कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वे सब अपनी इस भैंस वाली बहन की चिंता कर रहे हैं और चाह रहे हैं मन ही मन कि वह इस चुनावी लड़ाई को जीत जाए ताकि एक अलग ढंग का वितान बने तेलंगाना की पॉलिटिक्स में